एक दो इतने महीने सारे पहले। पिक्चरों के 100-100 टिकट, 150-150 टिकट लिए। देखिए बड़ी पिक्चर है इस साल की सबसे पहली, क्या आप 100 टिकट खरीदेंगे इस पिक्चर के या नहीं? सबसे बड़ा हॉलिडे 26 जनवरी। हेलो वन, मैनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इस महीने की सबसे बड़ी पिक्चर फाइटर को रिलीज होने के लिए बचे सिर्फ 2 दिन। आज है 23rd, कल का दिन 24 और परसों है 25th। हमारे साथ में हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। आसमान में मैं देख रहा हूँ विजय जी, कोई फाइटर ऐसे उड़ते हुए नहीं दिख रहा है। फाइटर तो क्या, गेडी गैलेक्सी में हम लोग जाके आए अभी। गेडी गैलेक्सी में सन्नाटा छाया हुआ, इतनी बड़ी पिक्चर है सिद्धार्थ आनंद की, जिसने पठान वॉर बनाई, जो भीड़ भाड़ थी वो आज कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको वहाँ से मायूस होकर यहाँ आना पड़ा कि यहीं शूट करते हम लोग, कि वो थिएटर खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है, कोई प्रमोशन नहीं किया अभी तक। इतनी बड़ी पिक्चर है, बड़ा प्रमोशन ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर वो गेडी गैलेक्सी में आते कुछ हंगामा करते तो मजा आता ना। कितने भी बकवास पिक्चर हो, फ्लॉप पिक्चर हो, गड्ढे गले में करते हैं तो पिक्चर की एवरेज चल जाती है। एक गर्मी बढ़ जाती, गर्मी बढ़ जाती है। वो गर्मी अभी तक मुझे अभी तक कुछ जनता नहीं, में नहीं दिखाई दी, आपको दिखाई दे रही है कुछ भी गर्मी? नहीं, अभी तक किसी ने कुछ बोला ही नहीं। सबसे बड़ा हॉलीडे 26 जनवरी, किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब एक इंसान ने भी आके टिकट विंडो पे विंडो पे पूछा नहीं नहीं बोला है पोस्टर देख के कि ये पिक्चर कब कब आ आ रही रही है। है। राइट, ऋतिक रोशन है, यस, हाँ, दीपिका पादुकोण थोड़ी चर्चा हो रही है उसके गाने की वजह से, कोई चर्चा ही नहीं हुई फिल्म की बात। यस, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई, पठान, वॉर, बैंग बैंग। बैंग बैंग वॉर ने तो विजय जी 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग ली थी फर्स्ट डे। फर्स्ट डे यहाँ पे फर्स्ट डे पे बहुत सारे लोग आ गए थे, ट्रेड एनालिस्ट बन के बोल रहे थे 40 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग लेगी, 50 तक जाएगी, लेकिन अब वो लोग चुप बैठ गए, बोलते 25 से 30 तक आ सकती है पिक्चर। लेकिन तो फिर भी विजय जी हम जानना चाहेंगे, देखिए बड़ी पिक्चर है इस साल की सबसे पहली, क्या आप 100 टिकट खरीदेंगे इस पिक्चर के या नहीं? अभी तक तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं है 100 टिकट के बारे में। पिक्चर का बज नहीं है, एकदम गर्मी नहीं है, कुछ कुछ हंगामा नहीं, तो कैसे 100 टिकट लो। लेकिन विजय फिर जी भी आप एक बार 100 टिकट ले लेते हाँ हो वो तो तो है, ये गर्मी बढ़ जाती है, तो बात गेटी सही है। गैलेक्सी फुल तो होता ही है। फिर भी सोच रहा हूँ कल 12 बजे तक 100 टिकट लू या ना लू। अब मुझे मेरे ऑडियंस के लिए गर्मी पैदा करनी पड़ेगी कि भाई चलो पिक्चर देखने के लिए। यस, आपकी सिद्धार्थ आनंद की जितने पिक्चर है, भी हाँ, माउंट मेरी के जितने भी लोग लोग हैं हैं, यस, उनके अंदर गर्मी पैदा करनी पड़ेगी कि भाई चलो पिक्चर अच्छी होगी, अब चलिए एक बार देखे तो सही, तब जाके कुछ होगा। वो भी कल 12 बजे तक देखूंगा, ओके, नहीं तो फिर 100 टिकट नहीं लूंगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मतलब आज जाके पूछेंगे सबको, अगर सारे लोग मान लिए लोग तो सामने से फिर आते, 100 टिकट लेंगे। लोग सामने से आ जाते हैं, यस वह इसके टिकट लेके आना, 1-2 महीने पहले बोलते हैं। यस करेक्ट, हमने पिछली बार भी देखा, गदर के लिए, जवान के लिए, केजीएफ के के लिए, लिए एक दो इतने महीने सारे पहले पिक्चरों के 100-100 टिकट, 150-150 टिकट लिए। अभी भी लोग बोलते हैं KGF 3 कब आएगी, पुष्पा 2 कब आएगी, हमारी टिकट लाना। इसके बारे में बोल ही नहीं रहे, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बचा है पिक्चर के लिए, जनता का कोई रेस्पॉन्स ऐसा खास आते हुए नहीं दिख नहीं, रहा है। नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीदें हमने रखी है फाइटर से, क्योंकि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण ने, डायरेक्टर भी बड़ा है सिद्धार्थ आनंद, जो अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई उन्होंने, यस, कभी निराश नहीं किया हमको। लेकिन अभी देखो अभी क्या होता है, कल 12 बजे तक देखते हैं। कल 12 बजे दोस्तों हम फिर से आएंगे, हमारे आम आदमी क्रिटिक, क्रिटिक ऑफ द मासेस हम जिनको बोलते हैं, और जिनकी पूरी मासेस सुनती है जब भी कोई वर्डिक्ट देते पिक्चर का, उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे लाइन लगती है, ये मैं हर बार बोलता हूँ। और 12 बजे को आके आप तक हम रिपोर्ट पहुंचाएंगे कि फर्स्ट डे की ओपनिंग इस पिक्चर की कितने लगने वाली है, और क्या हमारे विजय जी फाइटर के 100 टिकट लेंगे या नहीं लेंगे। विजय जी मिलेंगे आपको कल थैंक यू 12 बजे के बाद। थैंक यू।